जी हाँ नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। आज का इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि सरसों का क्वालिटी कैसे चेक किया जाता है, किस वैरायटी के सरसों में ज़्यादा तेल आता है, आपको कैसे चेक करना है। मैं सरसों दोस्तों कहाँ से ख़रीदता हूँ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। यहाँ दोस्तों मैंने आज 3 क्विंटल के करीब सरसों खरीदा था, आइए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बाइक के द्वारा ये व्यापारी हैं गैस, और मैं व्यापारी के द्वारा ही लोकल ही सरसों खरीद लेता हूँ, मुझे कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे व्यापारी हैं जो सरसों का कारोबार करते हैं, वहाँ से मैं लोकल सरसों खरीदता हूँ। क्योंकि अगर आप दूर से सरसों को मंगवाते हैं दोस्तों तो आपको महंगा पड़ेगा। अभी मैंने ये जो सरसों खरीदा है जो आप हमारे समक्ष देख पा रहे होंगे, और मैं आपको दोस्तों आज इस सरसों का क्वालिटी भी दिखाने वाला हूँ कि इसका क्वालिटी कैसा होता है। लोकल सरसों आप अगर खरीदना चाहते हैं तो इसका क्वालिटी कैसा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक क्वालिटी है लोकल का, ठीक है। आपको लोकल सरसों अगर आप खरीदते हैं तो ये क्वालिटी होता है। इसमें दोस्तों आपको आधा से ज़्यादा डैमेज माल भी कहीं कहीं मिलता है आपको, लोकल में यही घाटा है, यही नुकसान होता है। यहाँ पे जैसे अगर देख पा रहे हैं कचड़ा होता है। लोकल माल अगर आप जब भी खरीदते हैं तेल पीने के लिए तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चालना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा। बिना फ्रेश किए आप इसे पेट नहीं सकते क्योंकि तेल में बहुत सारा कचड़ा आ जाएगा, तेल गंदा आएगा, तेल साफ नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये दोस्तों कुछ लो क्वालिटी का सरसों है, देखिए आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कितना लो क्वालिटी का सरसों दोस्तों। इसको अब छोटा दाना है, इसमें तेल का परसेंटेज नहीं आता है। लोकल सरसों में हालांकि दोस्तों 33% तेल आता है, 3 kg में 1 kg तेल आ जाएगा, लेकिन अगर बढ़िया क्वालिटी हो तो 35-36% भी तेल आता है, क्योंकि मैं पीते रहता हूं, मैं देखता हूं। और ये दोस्तों मैंने 70 रुपये kg खरीदा है सरसों, काली सरसों लोकल ही। और ये नेक्स्ट बोरा है, देखिए लोकल माने दोस्तों तीसी भी इसमें डाला हुआ है, क्या कीजिएगा। लोकल अगर खरीदते हैं ये सब आपको सहना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए तेल का दोस्तों क्या है कि डिमांड ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो मुझे तो तेल पेरना पड़ता है। अब दोस्तों माल कहीं मिलता नहीं है तो क्या कीजिएगा, माल तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे नुकसान हो या फ़ायदा हो, आप बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए इसके अंदर तीसी भी मिक्स है, क्या कीजिएगा ये सब। और अगर आप बाहर से सरसों मंगाते हैं दोस्तों पीला या काला, तो आपको हल्का सा महंगा पड़ेगा, यहाँ से 10 या 15 रुपये kg अधिक महंगा होता है। लेकिन वहाँ का जो सरसों होता है, वहाँ का सरसों में 45% तेल होता है दोस्तों, जो पीला वाला तेल होता है उसमें 45-50% तेल होता है। मैं खुद दोस्तों राजस्थान से सरसों मंगाया हूँ तो 45-50% पीला वाला सरसों में तेल होता है, और काला सरसों में 40-45% तेल होता है, तो उसका दाम भी होता है हैवी। यहाँ से 10 से 15 रुपये आपका हाईएस्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी अच्छा होता है। मुझे दोस्तों ये लगता है कि लोकल या बाहर, आप अगर लोकल भी खरीदते हैं या बाहर खरीदते हैं तो आपको दाम सेम ही पड़ता है। अगर वो महंगा पड़ेगा तो उसमें तेल भी ज़्यादा है, और ये अगर सस्ता पड़ता है तो इसमें तेल का परसेंटेज भी कम होता है, कहीं ना कहीं बराबर ही होता है। अगर आपका आसपास सरसों मिले तो आप आसपास ही खरीदें, क्योंकि बाहर से मांगने में आपको हाई कॉस्ट पड़ जाएगा। और एक बताओ, आप अगर शुरू शुरू बिजनेस को शुरू किए, स्टार्टिंग में आप कभी बाहर से सरसों ना मंगाएं, शुरू लोकल सरसों से ही काम चलाएं, ठीक है। क्योंकि आप बाहर से सरसों मंगाएं, आपका तेल महंगा हो गया, लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो कहाँ सबका होगा, आपका सिस्टम बढ़वा जाएगा। शुरू शुरू आप लोकल सरसों लेके ही खरीदें। अगर आपके यहाँ लोकल नहीं मिलता तब आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, अगर आप टाउन में रहते हैं तो आपको तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर मैं देहात में रहता हूँ दोस्तों, इसलिए हमें लोकल सरसों मिल जाता है क्योंकि आसपास में व्यापारी हैं, लेकिन टाउन में व्यापारी होते हैं सरसों की, आपको पता करना होगा, वहाँ से आप सरसों को खरीद सकते हैं। और ये दोस्तों मैंने 7,000 रुपये क्विंटल खरीदा है सरसों को, काली सरसों को। यहाँ पे दोस्तों हमने सरसों को साफ करवा दिया अपने स्टाफ या लेबर के द्वारा। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं इतना वेस्ट मटेरियल हमारा है, मतलब दोस्तों वेस्ट नहीं है, इसे भी मैं पेरूंगा, लेकिन इसमें कम तेल आता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कितना छोटा छोटा दाना है। तो आप क्वालिटी को पहचानना सीखें, जैसा कि मैंने आपको क्वालिटी शुरुआती में ही दिखाया था, वो बोल्ड क्वालिटी का सरसों था। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सब दोस्तों बोल्ड क्वालिटी का सरसों है, इसमें 33% आराम से तेल आएगा, 3 kg में 1 kg आराम से तेल आएगा, ठीक है। खल्ली भी मोटा मोटी 1.5-2 kg आ जाएगा आपका, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। और ये 7,000 रुपये क्विंटल मैंने खरीदा, आपके यहाँ कैसे है आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बारी है इसे पेरने की, तो हमारा एक्सपेलर शाम का वक्त है दोस्तों, 6 बज रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं दोस्तों चाह रहा हूँ कि डेली कुछ नया लेकर आऊँ। डेली एक ही कंटेंट आपको देखने में ही मज़ा नहीं लगेगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आया जाए, ताकि आपको भी मज़ा लगे, आपको भी नई जानकारी आप तक पहुँचे।
तो आपसे मैं यही आशा करूंगा कि आप अगर हमारे वीडियो को डेली देखते हैं, बहुत सारे लोग दोस्तों वीडियो को तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं लगता है, क्या होगा हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियो बनाऊंगा, ऐसे में वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हो तेल का पेराई हो रहा है दोस्तों, और कितना अच्छा मात्रा में हमारा बाल्टी भर गया है। और इसका तेल की परसेंटेज की बात करें तो इस सरसों में ज़्यादा तेल तो नहीं आ रहा है, लेकिन मोटा मोटी 33% तो आएगा ही आएगा, 30 से 33 आराम से आ जाएगा। मोटा मोटी आप मान लो कि 3 kg में 1 kg आराम से तेल आएगा, कहीं से नुकसान नहीं होगा हमको। लेकिन आप अगर लोकल सरसों खरीदेंगे तो आपको दोस्तों कचड़ा आपको तो साफ करवाना ही पड़ेगा, ये दोस्तों मेजर इश्यू है, ये आपको आएगा ही आएगा। तो ये हमारा बाल्टी चेंज हो गया, ठीक है, और मैं अब नया बाल्टी लगाऊंगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं दोस्तों अपना काम करता रहूँगा पेरने वाला। आपका वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। अच्छा, अगर चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे मैं आपका डेली यूजफुल कॉन्टेंट बनाता रहूँ। धन्यवाद।